हे गाइस, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। होप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे। आज भी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है गाइस, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा भाई, रोड पे धूप धाप बिल्कुल भी नहीं है। हाय बच्चे लोग भी भाई कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, चश्मे वश्मे लगा के मेला घूम के आ रहे होंगे। अभी जो है ना टायर उस पर थे नहीं, तो अभी जो ना टायर पड़वाने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। ठीक है, अपने टायर आए होंगे भाई, बहुत ज़्यादा खुशी है तुम्हारे भाई को। तुम्हारा भाई जो ना टायर भी भाई एक नंबर पड़वाएं, तुम्हारे भाई ने महंगे ज़रूर मिले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, एक ही बार ही खर्चा कर लो। और तुम्हारा भाई अभी अंडरवेली भी निकलवाएगा, जो कि अभी लेके आए उसकी अंडरवेली। ये जो अंडरवेली लगी हुई है ना भाई, इसको लगने के बाद जो लुक आता है आपको पता ही है गाड़ी में। और इसकी जो रियल अंडरवेली है ना, वो लगने के बाद देखना भाई कितना लुक ख़राब हो जाएगा इसका गाड़ी का। तो अभी देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। गाइस कल तो तुम्हारे भाई के साथ बहुत ज़्यादा सीन हो गए, और एक बंदा आपको पता ही है यार, आपने व्लॉग देखा ही होगा कि भाई कैसे कैसे बंदे हैं भाई। पता है मैं यार नसीब है बस तुम्हारे भाई का, यार आप लोगों की दुआ कह लो या मेरी माँ की दुआ कह लो भाई, मेरी माँ बहुत दुआ करती है मेरे लिए। पता है मेरी माँ बहुत ज़्यादा दुआ करती है मेरे लिए भाई, भाई क्या पता उनकी ये दुआ लगी हो। और सरकार साबिर पाक को तो मैं चाहता ही हूँ। तो गाइस अभी देख लेते हैं क्या सीन रहने वाला है। भाई इधर देख लो कौन खड़े हुए हैं, छपरी गैंग। भाई साहब कल जो ना साला मेरे को ले के ही चला जाता वो। उसकी तो माँ की बस क्या करूँ यार। तुम्हारा भाई जो ना बस, तुम्हारा भाई ने इस मारे कुछ नहीं कहा, तुम्हारा भाई जो ना ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था। और भाई आपको पता ही है यार, जब तुम्हारा भाई हेलमेट वगैरह लगा लेता तो भाई लड़ाई झगड़ा तुम्हारा भाई नहीं करता। भाई गाड़ी कुछ खींच रही है भाई, चलो गाइस ले लेते हैं अपने राइट। पता है मैं भूल गया यार, उनकी शॉप मेरे को लगा आगे, आगे पीछे भी एक कटता, वहीं से भी ले सकता था मैं। यार क्या ही पागलबंदी कर दी मैंने भाई साहब। पता है यार तुम्हारे भाई की गलती होती है ना, तो तुम्हारे भाई की गलती होती है, फिर मैं अपनी गलती मानता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा मेरा एक्सीडेंट हुआ था भाई चचा के साथ, और तो यार उनकी अपाची ख़राब हो गई थी भाई। वो ये कि उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझसे, गलती मेरी ही थी। क्या हुआ आ गए? हाँ तो आ गए क्या? आने वाले अभी। कितनी देर में? क्योंकि ऐसा है ना अंकल जी, मैंने भैया को बोला था मेरे को कल निकलना है बहुत अर्जेंट, महाराष्ट्र आ रहा हूँ मैं हाथ से हाथ ऑर्डर दे दिया था। हाँ 1 बजे तक वो मुझे कह रहा था, और खुद तेरे सामने अभी फोन कर पाऊंगा मुझे, ये मैंने फोन किया हुआ 12:17। अब एक बार और करके देख लीजिए फोन। तो गाइस अपने टायर वगैरह अभी आए नहीं है, भाई सुबह ही बुला रहे थे मेरे को, अच्छा हो सुबह नहीं आया भाई मैं, तो अभी अंकल जी से फोन करवा रहे। देखो गाइस अभी अपने टायर वगैरह आए नहीं है, मतलब कि ऑर्डर इन्होंने कल ही दे दिया था, और बोला था 11 बजे तक मैं टायर ले आऊंगा, लेकिन अभी तक जो ना टायर लेके नहीं आया भाई। तुम्हारा भाई देख लो अब भी शॉप पे खड़ा हुआ है, और वो लड़का जो खड़ा हुआ है ना, उसने मेरे से पैसे लिए थे, वो भी हंस रहा था मेरे को देख के, अभी समझ गया था। तो गाइस आ चुका हूँ शारिक भाई की शॉप पर, और भाई कोई भी लड़का आया नहीं है, तो एक ही मेरा भाई आया हुआ है। उससे भाई मैंने अभी जो ना अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है, भाई गाड़ी भी भूल गया तुम्हारा भाई। अभी तुम्हारा भाई ने अंडरवेली खुलवा दी है जैसे कि वो रखी हुई है, तो अभी जो ना फरहान ने स्प्रिंग में टांग लिया है। तुम्हारा भाई इस पर वाइट रैप करवाने के चक्कर में था, लेकिन इस पर जो ना रैप वगैरह हुई नहीं, तो वही दिक्कत आ गई, लेकिन कोई नहीं, अभी तुम्हारा भाई इस पर वाइट वाला पेंट करने वाला बढ़िया से। तो मैंने भैया तो पूछ लिया था पहले पेंट रुक जाएगा नहीं रुक जाएगा इस पर, तो अभी इस पर वाइट पेंट करते हैं, मिलते हैं भाई फिर इसको लगाते हैं, और इस पर स्टिकर वगैरह लगवा लेंगे एक आध, क्योंकि यार ब्लैक जो ना अच्छी नहीं लगेगी अपनी गाड़ी पे, क्योंकि देख रहा हो अभी खुलने के बाद देख रहा हो कितनी बुरी लग रही है भाई साहब। गाइस फाइनली आपने देखा तुम्हारा भाई ने क्या स्प्रे मारा भाई। तुम्हारा भाई अगर राइडर नहीं होता ना, तो एक स्प्रे वाला होता। देख लो तुम्हारा भाई को इन चीजों का पहले से बहुत ज्यादा शौक था, तो वो ये अभी चाचा ने दूसरी मेरे को स्प्रिंग दी है निकाल के, तो अभी तुम्हारा भाई दूसरे पे करने जा रहा है, तो दूसरे पे भी कर ले इसी तरीके से। ठीक है, तो फाइनली गाइस अपनी अंडरवेली लग चुकी है, और भाई आपको दिख रहा होगा भाई
मैंने इसको व्हाइट करा दिया क्योंकि वो भी व्हाइट थी, इसी मारे मैंने पूरा इसको व्हाइट कर दिया पेंट से। अभी चल रहे टायर डलवाने के लिए, अपने टायर आ गए होंगे आधा घंटा उसने बोला था, तो मैंने टायर की दुकान पर पहुंच गए। तो बालाजी की पता नहीं ऐसे कुछ नाम है उनका, आपको बता ही दिया मैंने पिछले ब्लॉग में। तो अभी टायर वगैरह पड़वा लेते हैं, इसके देख रहे हो टायर कितना बेकार हो रहा है। तुम्हारा भाई ने इसको पूरा खत्म कर दिया, देख रहे हो अंदर तक जाली रह गई, वो भी छील देता इसका, तुम्हारा भाई इसकी जाली तक निकाल देता। बस वही है कि भाई को दूर जाना है, तो इस चक्कर में जो ना बस थोड़ा बहुत उसको छीला है मैंने, तो अभी चलते हैं टायर की शॉप से मिलता है। तो गाइस फाइनली तुम्हारे भाई ने टायर चॉइस कर लिया है, और जो कि क्या नाम है इसका टायर का, मिसलेन का टायर है, और दोनों सेट डलवाए तुम्हारे भाई ने। चलो दिखाता हूँ आपको बाहर बैठा, ठीक है। सुबह से तो बहुत वेट कर लिया और अभी वेट नहीं करेंगे, दोनों टायर ये रखे हुए अपने बढ़िया से। भाई डिजाइन देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई साहब, फुल मजा आने वाला लगवाने के बाद। तो पहले इंस्टॉल करवा लेते हैं इसमें, फिर देखते हैं। फाइनली गाइस अपना टायर लग चुका है, और जैसे कि आपको देख रहा होगा भाई क्या जैन मन लग रहा है भाई पीछे से, भाई देख रहे हो अभी चलने के बाद ना इसके और पीछे से और ज्यादा लुकिंग आएगी। और तुमको पता है यार नई चीज तो नहीं होती है, तो अभी पुरानी हो जाएगी जब देखेंगे इसका कैसा सीन रहता है। तो अभी इससे तुम्हारा भाई बढ़िया से भाई बर्नआउट वगैरह मार सकता है, क्योंकि अपना टायर तो खत्म हो गया, तो अभी आगे का रह गया वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आगे का भी लगने दो भाई। फाइनली आपको लुक दिखा दूंगा जो भी आएगा इसका। तो फाइनली गाइस अपना जो ना आगे का टायर भी डल चुका है, और डल ही कह चुका है, बस भैया कसरे इसके फिटमेंट कर रहे हैं। तो फिट होने के बाद देखते क्या सीन रहता है, देखो अभी क्या भाई क्या लुकिंग आ रही है भाई आगे पीछे से। भाई देखो आगे से तो ऐसा लग रहा है, और इसकी जो ना साइड में ग्रिप दे रखी है, तो अभी लग जाने दो इसको पूरी तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस पैसा पता क्या है यार, पैसा तो आता जाता रहेगा, बाकी इसके 3 साल की वारंटी दी है मेरे को उन्होंने, मतलब फट जाए कुछ भी हो जाए तो 3 साल की वारंटी है इसमें। तो भाई इससे ऊपर मैं टायर नहीं मानता, मिसलिन से बढ़िया कोई टायर नहीं मानता भाई। पता है H1 भी अच्छा टायर है, ऐसा नहीं कहूंगा, बुरा नहीं कहूंगा किसी भी कंपनी को भाई, सारी चीजें अच्छी है अपनी जगह पे, बस वही है कि यार मेरे को तो ये पसंद आया तो मैंने डलवा लिया, बाकी आपकी चॉइस क्या कहती है। और बाकी अभी जो अंडरबेली अपने चेंज कराई है ना, और इसके स्टिकर वगैरह का काम रह गया, तो मैं सोच रहा हूँ कल कराऊंगा, शाम हो चुकी है भाई, ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास। तो फाइनली गाइस अपने टायर लग चुके हैं, और लगने के बाद क्या लुकिंग आ रही है भाई, वो तो आपको आगे ब्लॉग में दिखी जाएगा। और थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाई दिया क्या लग रहा है भाई, ये पड़ा है मेरे को पूरा सेट भाई, आगे टायर मैंने पड़वाया अपोलो अल्फा H1, और पीछे जो ना मिसलेन का पड़ा हुआ है। और भाई इससे ऊपर मैं टायर नहीं मानता भाई, जैनमन आ रही है एकदम लुकिंग लगने के बाद। तो भाई आज का ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया ब्लॉग के साथ तुम्हारा भाई आता रहता है। तब तक के लिए राइड सेफ, लाइफ सेफ, एंड अपना हेलमेट पहन के चलें, सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, जैसे हर ब्लॉग में मैं बोलती हूँ तो इस बार भी बोल रहा हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग रिहान डीसी ब्लॉग, बाय बाय, लव यू गाइज़।